देश के पीएम नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम की राह पर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन यूपी बीजेपी के ही एक विधायक के बिगड़े बोल आप सुनेंगे तो आपका सवाल और आपके लिए कितने सारे ऐसे सवाल खड़े हो जाएंगे जो ये कहेंगे कि ये क्या प्रधानमंत्री की नीति है या फिर योगी की नीति है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के कुछ नेता ऐसे हैं जो इस तरह की बोल बोल रहे हैं। बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल, बीजेपी विधायक ने दिया विवादित बयान, क्या विधायक को कानून का डर नहीं? ये है यूपी के मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी। विधायक चुने हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन इनकी भाषा सुनिए। शनिवार को शामली के थाना भवन से विधायक सुरेश राणा राज्य मंत्री बनने के बाद मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। एक बैंकेट हॉल में उनका स्वागत हुआ। कार्यक्रम के दौरान विक्रम सैनी को भी बोलने का मौका मिला, लेकिन इलाके के विकास की बात करने की जगह वो गो हत्या के मुद्दे पर बोले और कहा जो गाय को माँ नहीं मानेगा उसके हाथ पैर तोड़वा देंगे। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी मुजफ्फरनगर के उसी गांव कवाल के रहने वाले हैं जहां तीन हत्याओं के बाद दंगे की शुरुआत हुई थी। उस वक्त विक्रम सैनी कवाल गांव के प्रधान थे और इन पर भड़काऊ भाषण और दंगों का आरोप भी लगा था। इस मामले में वो जेल भी गए थे। बड़बोले विधायक विक्रम सैनी को जब मंच और माइक मिल गया तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हालांकि मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पाकिस्तान को भी निशाने पर लेने से नहीं चूके। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सूबे में कानून का राज होगा, लेकिन उनके विधायक अब अलग ट्रैक पर चल रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। देश के पीएम से लेकर प्रदेश के सीएम तक यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का वादा हो रहा है, लेकिन विक्रम सैनी जैसे विधायकों की भाषा सवाल खड़ा कर रही है। क्या इन नेताओं के सहारे यूपी बनेगा उत्कृष्ट प्रदेश? मुजफ्फरनगर से अंकित मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।